आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय चैनल जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। आलू की बोरियों के बीच की जा रही थी गांजे की तस्करी, दो गिरफ्तार, पुलिस जांच में जुटी। आलू की बोरियों के नीचे छुपाकर उड़ीसा से तस्करी कर छत्तीसगढ़ लाए जा रहे करोड़ों के गांजे को पुलिस ने पकड़ा है। साथ ही दो तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। ये कार्रवाई बसना के द्वारा की गई। दरअसल महासमुंद पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक वाहन उड़ीसा से गांजा भरकर बसना की ओर जा रही है। इस सूचना पर बसना थाना पुलिस की टीम सभी नाके और रास्तों पर चेकिंग पॉइंट लगाकर संदिग्ध वाहनों की जांच शुरू की। इसी दौरान पदमपुर उड़ीसा से बसना महासमुंद की तरफ आने वाले एक सफेद रंग की इंट्रा छोटा हाथी वाहन क्रमांक CG 10A1898 को पलसापाली बैरियर के पास पकड़ा गया। वाहन को राजेंद्र श्याम पिता बुधराम सिंह 32 वर्ष निवासी ग्राम आमाडोल थाना पेंड्रा चला रहा था। साथ ही वाहन में 32 वर्षीय शिव कुमार भी बैठा हुआ था। दोनों से जब पूछताछ की गई तो दोनों पुलिस को गुमराह करते रहे, जिसके बाद पुलिस को शक हुआ और गाड़ी की तलाशी ली गई। इस दौरान वाहन की ट्रॉली में आलू की बोरियों के नीचे 18 प्लास्टिक बोरियों में गांजा भरा हुआ था। जब तक गांजे का वजन 5 क्विंटल 40 किलोग्राम व कीमत 1,08,00,000 के करीब है। फिलहाल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस दोनों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।